इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेकिन उससे पहले वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी यूथ के नाम भी एक संदेश दे रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। कई गुना बढ़ा दिया है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी ही है। साथियों, जब कोई समाज स्किल को महत्व देता है तो समाज की अपस्किलिंग भी होती है, उन्नति भी होती है। दुनिया इस बात को बखूबी जानती भी है, लेकिन भारत की सोच इससे भी 2 कदम आगे की नहीं है। हमारे पूर्वजों ने स्किल्स को महत्व देने के साथ ही उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया, स्किल्स को समाज के उल्लास का हिस्सा बना दिया। आप देखिए, हम विजयादशमी को शस्त्र पूजन करते हैं, अक्षय तृतीया को किसान फसल की कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा की पूजा तो हमारे देश में हर स्किल हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है। हमारे यहां शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, विवाह दिशु यज्ञशु गृह आराम विधायके सर्व कर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम। अर्थात विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई और यज्ञ कार्य, सामाजिक कार्य हो, इसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा, उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। विश्वकर्मा की पूजा यानी समाज जीवन में अलग अलग रचनात्मक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्माओं का सम्मान, स्किल का सम्मान। लकड़ी के कारीगर, मेटर्स का काम करने वाले, सफाई कर्मी, बगीचे की सुंदरता बढ़ाने वाले माली, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार, हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हमारी परंपरा ने विशेष सम्मान दिया है। महाभारत के भी एक श्लोक में कहा गया है, विश्वकर्मा नमस्तेस्तु, विश्वात्मा विश्व संभव। अर्थात जिनके कारण विश्व में सब कुछ संभव होता है उस विश्वकर्मा को नमस्कार है। विश्वकर्मा को विश्वकर्मा कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उनके काम के बिना, स्किल्स के बिना समाज का अस्तित्व ही असंभव है। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के लंबे कालखंड में स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हमारे सोशल सिस्टम में,
हमारे एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। साथियों, एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है, तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा। देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई, इसी जरूरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभियान है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथियों, मैं एक और वाक्य के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक बार स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे कुछ अफसर मुझे मिले। मैंने उनसे कहा कि आप इस दिशा में इतना काम कर रहे हैं, क्यों ना आप ऐसे स्किल्स की एक लिस्ट बनाइए जिनकी हम अपने जीवन में सेवाएं लेते हैं। आपको हैरानी होगी, जब उन्होंने सरसरी नजर से लिस्टिंग की तो ऐसी 900 से ज्यादा स्किल निकली जिनकी हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए जरूरत होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का काम कितना बड़ा है। आज ये जरूरी है कि लर्निंग आपकी अर्निंग के साथ ही रुके नहीं। आज दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल होगा वही ग्रो करेगा। ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है। दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल मैनपावर सॉल्यूशंस भारत दे सके, ये हमारे नौजवानों की स्किलिंग स्ट्रेटजी के मूल में होना चाहिए। इसको देखते हुए ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग जो कि की जा रही है, वो प्रशंसनीय कदम है। इसलिए हमारे युवाओं के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग का मिशन अनवरत चलते रहना चाहिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज अनुमान लगा रहे हैं कि जिस तरह तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आने वाले 3-4 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमें देश को तैयार करना होगा और कोरोना काल में ही हम सबने स्किल्स और स्किल वर्कफोर्स की अहमियत को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। देश कोरोना से इतनी प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल वर्कफोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, बाबा साहब आंबेडकर ने युवाओं की, कमजोर वर्ग की स्किलिंग पर बहुत जोर दिया था। आज स्किल इंडिया के जरिए देश बाबा साहब के इस दूरदर्शी स्वप्न को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। उदाहरण के तौर पर आदिवासी समाज के लिए देश ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम पारंपरिक स्किल के क्षेत्रों जैसे कि आर्ट हो, कल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, टेक्सटाइल हो, इनमें आदिवासी भाई बहनों की डिजिटल लिटरेसी और स्किल में मदद करेगा, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेगा। इसी तरह वनधन योजना की भी
आज आदिवासी समाज को नए अवसरों से जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन रही है। हमें आने वाले समय में इस तरह के अभियानों को और ज्यादा व्यापक बनाना है। स्किल के जरिए खुद को और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।